लड़ाइयां टेक्नोलॉजी से नहीं, जिगर से जीती जाती है। बिल्कुल। और जिगर और जज्बा, हौसला और साहस ये इंडियन आर्मी के सोल्जर के सिवा और किसी के पास नहीं। तक था ये तेरी जमीन तेरे खून से तो सजती सवरती है रांझे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशालें प्रज्वलित कर उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में रवाना किया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली ज्योति से 4 विजय मशालें प्रज्वलित की और उन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांवों सहित देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना किया। इन विजेताओं के गांवों के अलावा 1971 के युद्ध स्थलों की मिट्टी को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में भारत को बड़ी जीत मिली थी, जिसके फलस्वरूप एक देश के रूप में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 16 दिसंबर 1971 की सुबह बहुत यादगार है, क्योंकि इसी दिन हमारी फौज ने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे किए थे। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने लड़ाई की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे महज 13 दिनों में ही घुटने टेकने पड़े थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को ऐसी धूल चटाई कि युद्ध इतिहास में भारतीय सेना के अपार शौर्य के प्रदर्शन को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया गया। आज के विजय दिवस से जुड़ी एक और बात आपको बताते हैं। विजय दिवस यानी 16 दिसंबर को हम जितना खुशी से मनाते हैं, पाकिस्तान उतना ही दुखी होता है। इस दिन को वह अपने लिए कलंक मानता है, गद्दारी से जोड़कर देखता है। गद्दारी किसी और ने नहीं बल्कि उनकी सेना ने ही की। भारत पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान की सेना हार कर हताश होने लगी तो उन्होंने तय किया कि मरने से बेहतर होगा सरेंडर कर दिया जाए। इसके बाद 15 दिसंबर 1971 की आधी रात को उनके लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारतीय फौज के सामने खुद के सरेंडर करने का आग्रह किया। भारत तो पहले से ही युद्ध नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने छेड़ा था, तो सरकार ने तुरंत युद्ध विराम का आदेश फौज को दे दिया। That the Mukti Bahini was at the forefront when the Pakistani High Command in the East threw in the towel. उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाल दिए। भारत ने कुछ समय के लिए उनके सभी सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर छोड़ दिया। सरेंडर करने के बाद जनरल नियाजी का पाकिस्तान में रहना दुभर हो गया। हर तरह की यात्राएं उनको और उनके परिवार को दी जाने लगी। उस वक्त पाकिस्तान में जो भी व्यक्ति अपने नाम के आगे नियाजी लगाता था उसे गद्दार की कौम कहा जाता था। नियाजी बिरादरी के लोग इस कदर भयभीत हुए कि उन्होंने नियाजी लगाना ही बंद कर दिया। इस शब्द को पाकिस्तान ने गाली की संज्ञा दे दी। हालांकि मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ऐसी रिपोर्टें हैं। उधर भारत में विजय दिवस का उल्लास देखते ही बन रहा है। विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है, 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित यह शौर्य गाथा हर भारतीय को गौरवान्वित करती रहेगी। विजय दिवस की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की परंपरा को नमन करता हूं। मैं स्मरण करता हूं उन जाबांज सैनिकों की बहादुरी को जिन्होंने 1971 के युद्ध में एक नई शौर्य गाथा लिखी।
उनका त्याग और बलिदान सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से भी हमारे जांबाज सैनिकों को आज आकाश से सलामी दी गई। आइए आपको दिखाते हैं वो दृश्य।